हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया व्लॉग्स और मैं हूँ श्रेया। आज के वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने एनिवर्सरी व्लॉग में आप लोग को बताया था कि मैं एनिवर्सरी में क्या गिफ्ट लेने वाली हूँ, और गिफ्ट लेने के बाद मैंने आपको ये बॉक्स दिखाया भी था बट मैंने बताया नहीं था कि मैंने क्या क्या लिया है। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये बॉक्स को ओपन करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जब इसे मार्केट से लेके आई उसके बाद से मैंने भी इसे ओपन नहीं किया है। तो आज वीडियो के टाइम पे मैं इसे ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग भी देख पाएँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सो आर यू गाइज रेडी? मैंने जो भी लिया है, जितने भी प्रोडक्ट्स लिए हैं, मैंने सब कुछ आपके सामने रखा है। सो मैं यहाँ पे आपको काउंट करके बताती हूँ यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, और एक एक करके मैं आपको उनके डिटेल्स बताते जाऊँगी। सो यार, आई हैव 11 प्रोडक्ट्स, और ये 11 प्रोडक्ट्स में क्या क्या है तो आपको वन बाय वन बताती हूँ। 11 मैं नहीं बोलूँगी, 10 बोलूँगी, क्योंकि ये क्लचर है। सो एक्चुअली मैंने शॉपिंग उन सारी चीज़ों की ही की है जो मेरे पास नहीं थे, और जो थी उनकी शॉपिंग मैंने नहीं की है। सो या द फर्स्ट थिंग जो मैंने लिया है वो है लॉरियल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन, एंड इट्स सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन। तो मैंने दो तीन वहाँ पे देखा बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये मेरे स्किन टोन को मैच कर रहा था, तो मैंने ये लिया है। एंड इट कॉस्टेड मी फॉर 800, इट मीन्स 799, सो आई कैन से इट बेटर 800। द नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर। मैंने कंसीलर कभी नहीं यूज़ किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने कंसीलर परचेज किया है, एंड दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम L'Oreal Paris, and it is infallible full wear. And it costed me for 1000 rupees. So the next thing जो मैंने लिया है वो है ये, this one is mascara, और ये भी L'Oreal का ही है, and it costed me for 940। इससे बहुत ही अच्छा वॉल्यूम क्रिएट होगा हमारे आईलैश पे, जो बिल्कुल एक फॉल्स आईलैश की तरह ही दिखेगा, और जो कि बिल्कुल ही नेचुरल लगने वाला है। सो आई थॉट फर्स्ट टाइम टू गिव इट अ ट्राई, तो मैंने ये मस्कारा लिया है। द नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है वो है ये हाइलाइटर, दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन फेस स्टूडियो। तो द नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिया है वो है ये लैक्मे आई लाइनर, क्योंकि मेरे साथ ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होती है कि वो पेंसिल से या वो फाइन स्टिक से अप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके वजह से दोनों साइड मेरे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने इस बार ये पेन लिया है। आई होप दिस विल हेल्प मी, एंड यस इट कॉस्टेड मी फॉर 500। मैं जहाँ पे शॉपिंग कर रही थी एक्चुअली वहाँ पे ऑफर था, जिस ऑफर में एक लिपस्टिक के साथ एक फ्री थे, मीन्स मैं अगर मैं लैक्मे का लिपस्टिक ले रही हूँ तो लैक्मे का एक फ्री था। तो यहाँ पे मैंने लिया था लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट मेल्ट लिक्विड लिप कलर, जिसके साथ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का लिपस्टिक फ्री था। शेड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते थे, तो मैंने चूज़ किया है, एंड ये लिपस्टिक का कॉस्ट था 750। तो शेड मैं आप लोग को बताती हूँ, आई होप यू कैन सी दी शेड, इट्स अ लवली कलर, एंड इट्स 01 क्रेजी टैंग्राइन कलर, तो जो कि बहुत ही परफेक्ट है, और मैं ये कलर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी एंड फाइनली आई गॉट इट। तो और इसके साथ एक और जो मुझे फ्री मिला था वो क्या है, दिस वन इज लाइक दिस, एंड यू कैन सी दिस कलर, दिस वन इज दैट शेड।
एंड दिस वन इज रेड. सो द नेक्स्ट लिपस्टिक जो मैंने लिया था वो भी लॉरियल पेरिस का ही है. दिस वन इज इनफेलिबल प्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड द शेड इज 370 रोज ब्लड. तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, सील है तो एक बार ओपन कर लेती. सो यहाँ ये कलर है वो. आई होप यू इट. बहुत ही प्यारा कलर है. अगेन द नेक्स्ट थिंग जो मैंने लिया है वो भी है एक लिपस्टिक लॉरियल पेरिस का ही. एंड दिस वन द शेड इज 115. आई एम वर्थ इट. And this one is a perfect red. I hope you can see it. It's really a pop color. और ये लगाने पे बहुत ही सुंदर लगने वाला है. So yes. तो ये थे मेरे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स जिसे मैंने लिया है. And apart from that, इन सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने लिया था वो है ये दो क्लचर. And it costed me 4 rupees 80. And then one मेकअप रिमूवर जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. एंड इट्स प्राइस इज 299. सो यस, ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने आप लोग साथ शेयर कर लिए. एंड बाय सीइंग टुडे शॉपिंग देखने के बाद आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि मैंने जो भी लिया बहुत सिंपल सा, बहुत मिनिमल चीज़ ही लिए हैं. जो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट थे वो ही लिए. बट my love for lipstick is much more than the rest of the things. तो इसीलिए मैंने इतने सारे lipsticks लिए हैं. and I'm totally crazy for all this four color. I don't have a very large variety of lipstick collection, but yes, जितना भी है मेरे लिए बहुत sufficient है. and yeah, someday कभी भी मैं ऐसा कोशिश करूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपने सारे lipstick को share कर सकूँ, दिखा पाऊँ आप लोगों को कि मैं कितने लिपस्टिक की शौकीन हूँ और मैं कितना मींस लिपस्टिक मेरे पास है. ऑल दो आई डोंट यूज़ ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर, या मैं ऐसा भी नहीं होता कि आई यूज़ इट, कुछ ऐसे पड़े हुए भी हैं. बट यस, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो पर्टिकुलरली फॉर माय लिपस्टिक मैं आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ. बिकॉज आई एम अ लिपस्टिक पर्सन, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो ये थी मेरी कुछ मेकअप शॉपिंग जो कि ऑल तो बहुत नई है, बट यस मेरे लिए बहुत है क्योंकि मैं मेकअप करना बहुत नहीं पसंद करती. बट यस इट्स फाइन फॉर कभी अगर मन कर गया तो, और इफ़ आई एम गोइंग समवेयर आउट और फॉर एनी फंक्शन और ओकेजन समथिंग लाइक दैट, तो मैं ज़रूर एक बार कोशिश करूँगी मैं इन सारे प्रोडक्ट और जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सारे को साथ में मिला करके मीन्स एक मेकअप का वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ. और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँ कि उस वीडियो को भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ. सो इफ अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन.